आज का रोड शो है वो पूर्व महासचिव दिल्ली प्रदेश अनिल सागर जी ने ये डिजाइन किया है, और आप देख सकते हैं पीछे एक रथ चल रहा है जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और सिंगर हैं, प्लस उसमें साउंड लगा करके बहुत बड़ा रथ बनाया गया है। जिंदाबाद सुभाष भाई, हमारे ऊपर आए आप, ऊपर आए ऊपर, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप अगर आप पीछे रहेंगे तो हम कैसे आगे पहुंच पाएंगे। और भाई शशि भूषण जी, उनका पगड़ी पहना के उनका स्वागत करना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों जितनी गाड़ी आगे खड़ी है मैंने आपसे निवेदन किया था, आप गाड़ी पीछे लगा लें, समय निकलता जा रहा है, आप लोग गाड़ी, ये सफारी जिनकी है ये पीछे लगा लें, अनुशासन ना तोड़ें आप लोग, जल्दी से पीछे लगा लें गाड़ी, जितनी भी गाड़ी है इनोवा खड़ी है सामने, गाड़ियां देखो, बार बार आप लोगों से बोला भाई ये अनुशासनहीनता है आपकी, सफारी किसकी है भाई, जल्दी हटाएं आप, और सब लोग रथ के आगे आ जाएं। और हमारे राजकुमार जी नजर आए थे गोंडा से, वो कहां है, मेरे साथियों, मेरे
सीमापुरी विधानसभा है ये, और सीमापुरी विधानसभा में राजवीर सिंह जी अपना पूरा कारवा लेकर के यहाँ पर आ चुके। चुनावी मौसम चल रहा है और चुनावी मौसम में गर्मी बहुत है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल निकलने के बाद मई शुरू हो चुका है और मई की जो गर्मी है ये वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, और इसी गर्मी के मौसम में गर्म हो रही है राजनीति। और राजनीति जो गर्माहट में आई है वो मैं आपको एक बार और बता दूं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रत्याशी जो है वो राजवीर सिंह जी हैं, और राजवीर सिंह जी जो है वो पूरे दमखम से लगे हुए हैं। बाकी की तीन पार्टी जो है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस बार बीएसपी जो है वो पूरे अपने दमखम से लगी हुई है। और मैं आज का रोड शो है वो पूर्व महासचिव दिल्ली प्रदेश अनिल सागर जी ने ये डिज़ाइन किया है, और आप देख सकते हैं पीछे एक रथ चल रहा है जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और सिंगर हैं, प्लस उसमें साउंड लगा करके बहुत बड़ा रथ बनाया गया है, क्योंकि राजवीर जी के स्वागत में ये रथ बनाया गया था, और उनकी उनके स्वागत के साथ साथ यहाँ पर कंपेनिंग के लिए यहाँ पर सैयों लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ये सीमापुरी विधानसभा में आज का रोड शो हो रहा है, और ये रोड शो जो है वो महिलाओं को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि महिलाएं भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। मैं आपकी बात कराना चाहूँगा दिल्ली पूर्व महासचिव अनिल सागर जी से। अनिल जी, आपने ये आज का प्रोग्राम डिजाइन किया और इतना अच्छा आपने रथ बनाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि राजवीर जी को आप पूरी तरीके से? देखो, समय परिवर्तनशील है, युवाओं की सोच बदल चुकी है, युवा इन चीज़ों से अट्रैक्टिव होता है, प्रभावित होता है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर 95% आप इसमें युवती देख रहे होंगे जो यहाँ पर रथ मार्च में चल रहा है, तो अट्रैक्टिव है, प्रभावित हुआ, और देखिए यहाँ पर बदलाव लाने वाला ही, इस उत्तरी पूर्वी लोकसभा में बदलाव लाने वाला युवा ही साबित होगा। और आप 95% में नहीं कहता, 100% जो युवा है बहुजन समाज का, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, वो भटकेगा नहीं दिल्ली का युवा। पर आप अभी बीएसपी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है, अधिकारी ना होते हुए भी आप बीएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जब पदाधिकारी पहले भी नहीं था जी, मैं 14 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहन जी खुद कहती है कि ये मूवमेंट है, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म बाद में, पहले मूवमेंट है जी। तो मैं जब पत्रकार था भी नहीं, मैं तब भी ऐसी मेहनत करता था, इतनी लगन से मेहनत करता था, आप लोगों के सामने आप लोग सब सपोर्ट करते थे, अगर पद नहीं भी होगा तब भी मैं इसी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मेरी जो ऊर्जा है वो बहुजन मूवमेंट के लिए है, बहुजन समाज के महापुरुषों का जो बलिदान है उसको जागरूक करने के लिए मेरे आखिरी अंतिम सांस तक मैं बहुजन मूवमेंट में रहकर रखूंगा। और राजवीर सिंह जी को और बहन जी को पीएम बनाने के लिए आपकी आगे की रणनीति क्या है? रणनीति देखिए, जिस तरह से कल बड़ा बदलाव हुआ, समाजवादी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी है उन्होंने समर्थन दिया, मेरे संपर्क में यहाँ के जितने भी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात की, तो आज शाम को मैंने अपने निवास से मीटिंग रखी हुई है, वो सभी लोग यहाँ की कार्यकारिणी मेरे पास आएगी, तो हम आगे की जो भूमिका है रणनीति है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे जो वार्ड है सीमापुरी, यहाँ पर बाहरी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, आज शाम को हम अपनी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से रणनीति बनाई जाती है जी। क्या आपको ये लगता है कि बीएसपी के साथ मुसलमान और दलित पूर्ण तरीके से आ पाएंगे? बिल्कुल तरीके से। देखिए, मैंने अभी बताया था कि जो ये जो लोकसभा है ये उत्तर प्रदेश से सटी हुई लोकसभा है, यहाँ बहुत प्रभावशाली रहेगा मुसलमान, मतलब मुसलमान जो है यहाँ का वो यूपी से बिलोंग करता है, तो वो सारा का सारा मुसलमान जो है वो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। बाल्मीकि समाज,
वाल्मीकि समाज हमारे साथ आ गया, नहीं था हमारे साथ आ गया वो भी। ऐसा तो नहीं कि वो झाड़ू पे जाएगा, वो हमारा हमारे छोटे भाई हैं, हमने उनको समझाया जाके कि देखिए आप दिल्ली के अंदर अगर वोट देते हैं तो दिल्ली में वोट देने का मतलब ये होता है कि आपको उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम यहाँ पर संख्या बल उन लोगों को दिखाते हैं अपने। तो BSP को वोट देने का मतलब है कि संख्या बल दिखाना। तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, यहाँ पर आप शोषण उत्पीड़न का शिकार नहीं है, पर आप उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों में चले जाएँ तो हमारे बहुजन वाल्मीकि समाज के लोग या बहुजन समाज में जो जातियाँ आती हैं वो लोग शोषण का शिकार है। तो उन्हीं के लिए आप लोग इस बार दिल्ली में जो 5 सीटें हैं BSP की, उसमें से कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोग पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे, पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। और इन लोगों को देख लिया जनता ने, ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन लोगों ने दिल्ली को ठगा, दिल्ली को लूटा। तो जनता जा चुकी है, जनता ने इस बार ये ठाना है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को इस बार आजमाएंगे। जनता ने ये ठाना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को आजमाएंगे। और बहन कुमारी मायावती जी का आपने शासन यूपी में तो देखा ही है, उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त उनका शासन रहा है और बहुत ही ज्यादा अनुशासित शासन रहा है। गुंडे मवाली भी वहाँ पर भाग जाते हैं और कोई गलत हरकत भी ऐसी नहीं होती है। तो ऐसा अगर एक प्रदेश यूपी हो सकता है तो क्या हमारा पूरा भारत नहीं हो सकता क्या? तो इस बार लोगों की जो जरूरत बन रही है और भारत की मजबूरी जो आ रही है वो बहन कुमारी मायावती को PM बनाना जरूरी पड़ रहा है। BSP जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। जी हाँ, यूपी में तो गठबंधन हो ही गया है पर अब दिल्ली में भी गठबंधन हो गया है SP और BSP का। जी हाँ, ये गठबंधन जो है वो बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है। और मैं आपकी आज एक बात कराना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़ चुकी है मिशनरी सिंगर बुध मित्रा जी स्पेशली इस BSP की कंपेनिंग में आई है। आप क्या कहना चाहेंगे कि BSP इस बार आएगी या आएगी तो कितनी सीटों से आएगी? 5 सीटें हैं यहाँ पर। सभी को जय भी मैं बताए सबसे पहले तो, और मैं चाहती हूँ कि 5 सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें हमारी BSP की ही हो। और मैं मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ तो आगे खड़े हुए हैं राजू सिंह जी को कि वो अपनी सीटें कांग्रेस के नाम पर लेकर आए। आप यहाँ पर जो पीछे रथ चल रहा है उसमें लाइव सॉन्ग चल रहे हैं, लाइव गाने चल रहे हैं और आप बहुजन समाज की लता मंगेशकर कहलाती हैं, तो क्या इस बार उस रथ में भी आप अपना लाइव सॉन्ग करेंगे कुछ? बिल्कुल, मैं जाने वाली हूँ, बस अपना लाइव सॉन्ग देने वाली हूँ BSP के। बाबा साहब के गाने होंगे या महापुरुषों के गाने होंगे या फिर BSP के गाने होंगे? बाबा साहब के भी होंगे और BSP के गाने भी होंगे, दोनों। और आप भी चाहते हैं कि BSP? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपकी मदर जो है उन्होंने BSP का इलेक्शन फाइट किया था। BSP के लिए भी है, हर तरीके के लोग जो है सभी लोग जो है वो बसपा को BSP को चाह रहे हैं कि BSP ही आ गया। बहुजन मीडिया के जितने भी लोग हैं वो भी सपोर्ट यही कर रहे हैं कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी आए। मेरे साथ हैं मनोज गौतम जी, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा सर क्या कहना चाहेंगे आज के लिए कि आज का रोड शो भी हो रहा है और प्लस BSP को जिताने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको जय भीम नमक उदय करूँगा और आपके चैनल को नमक उदय करूँगा। आज BSP और सपा का जो गठबंधन हुआ है उससे और पार्टियों की कमर टूट चुकी है जी, जैसे आपकी कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई और BJP हो गई। अब उन्होंने आपने देखा होगा कि 25 तारीख को मनोज तिवारी जी रैली कर रहे थे और उनकी टीम में मात्र 25 लोग थे पुलिस वालों को मिला के। अब आप खुद ही देख लीजिए उनकी क्या हालत है। सारी पार्टियां टोपी ने ऐसा किया कमाल कि सबने मचा, देश के अंदर मचा रखा धमाल। टोपी ने सब टोपी ओढ़ने पे सब मजबूर हो गए। आपसे मैं ये कह रहा था कि टोपी के नाम पे, पूछ के नाम पे, डाली के नाम पे दलित और मुस्लिमों को ये सरकार जो है मारने का काम करे, तो क्या ऐसी सरकार से निजात पाना चाहेंगे इस बार में? इस बार तो इस सरकार से निजात पाने कर क्या, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इससे जो है कारण की नफरत की और जो फिरका परस्ती की जो दीवार खड़ी की जा रही है और जो खाई खोदी जा रही है उससे सारे लोग जो है कारण की उसे निजात पाना चाह रहे हैं।
और इसी खाई को पाटने के लिए बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री जरूरी है। देखा जाए एक बार अपील कर दो आप वोट इस देश के, अगर देखा जाए तो दलित और मुस्लिम को अगर कोई संविधान के मामले से कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, तो क्या इस देश के वोटरों से अपील करना चाहेंगे? इस देश का जो संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी ठीक उसी नहज पे उसी तरीके पे उसी बुनियाद और पे फाउंड पे जो है बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अगर कोई बुनियाद है पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है संविधान पे। और इसलिए जो है हम चाहते हैं कि सारे जनता से अपील करते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को कामयाब बनाएं और बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। चलिए बहुत समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीमापुरी विधानसभा का ये जो रोड शो हो रहा है पूर्व महासचिव अनिल सागर जी ने डिजाइन किया है और अनिल सागर जी की मेहनत है जो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और बीएसपी को समर्थन कर रहे हैं और बहन जी को पीएम बनाने के लिए सभी रोडों पे आ चुके हैं। देख सकते हैं कि ढोल लंगाड़े अलग बज रहे हैं और ढपलियां अलग बज रही है और पीछे डीजे साउंड सिस्टम बहुत ही शानदार लगाया हुआ है जिसमें कि बहुजन सिंगर जो है वो यहां पर बीएसपी के गीतों से लोगों को सराबोश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राजवीर सिंह जी पूरी कड़ी धूप में लगे हुए हैं बहन जी को पीएम बनाने के लिए और साथ में महिलाएं भी पूरे जोरों खरोशों से लगी हुई है। We'll be right back.
भीम जय 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 भीम नारा लगाएंगे
कातरों के नीचे मिलना पूरा राजवीर सिंह जी आज आपके सामने एक ट्रैक्टर भी चला रहे हैं और ये सबूत है कि जमीन इस सब पे काम करते हैं। राजवीर सिंह जी आ गए भाई आ गए
तेजी से चल रहा है। मैं अभी आप लोगों को धन्यवाद भी करता हूँ और आप लोग अपील भी करता हूँ। सबसे मैं एक ही अपील करता हूँ कि जब भी बात आए मूवमेंट, जब भी बात आए किसी ऐसी चीज की, संगठन की जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसको बात को ये मत सोचो कि सामने कौन बैठा, अपनी पूरी ताकत से रखो। कल मैंने भी रखी एक जगह, पूरी ताकत से रखी। हम अपने लोगों को अपनी बात अगर नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, तो फिर हमारा मूवमेंट से जुड़ने का फायदा क्या? इसलिए अपनी बात पूरी ताकत से रखो। जितनी ताकत से रखेंगे उतने जल्दी लोग सुनेंगे। आप लोग इतने मेहनती, इतने पढ़े लिखे हैं, अपनी बात जरूर सुनेंगे। तो देखा जाए जेएनयू से तो जो है भारत की राजनीति की शुरुआत होती है। आज आपके समर्थन में आए लोग जो है पूरी समर्पण भाव से, तो इनके लिए कैसे धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे भाई है, मैं बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं करूंगा। आप लोगों ने हमारे साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। अभी तो समर्पण की शुरू हुई है, अभी तो हमने दिल्ली विधानसभा भी जीत ली है, आपके साथ मंदिर भी जीतने वाला। और आखिरी में समापन में हमारे बीच में बालक राम बोस जी हैं, शीला कोटिया जी हैं और हमारे प्रत्याशी जो आप लोग देख चुके हैं। आपने पैदल मार्च किया, जहां जहां से आप क्षेत्र से निकल के आए, सारी जनता ने आप लोगों को समर्थन दिया है और इस बार सबने जताया कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। तो साथियों ठीक उसी प्रकार से मैं, क्योंकि आप हमारे सम्मानित साथी हैं, सम्मानित लोग हैं, इतनी मेहनत में, इतनी धूप में आप लोग चल के हमारे, तो मैं दो मिनट दूंगा बस खाली, क्योंकि समय निकल चुका है। तो मैं बागराम मोदी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के रूप में दो शब्द अपने रखें। धन्यवाद अनिल भाई, बड़ा सौभाग्य का दिन है। वैसे तो भाग्य में भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं कि आज हमारे बीच एक कर्मठ, बहुत ईमानदार और बहुत ही जुझारू राजवीर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको बधाई दूंगा और जिस प्रकार से वो एक मिशन में लगे हुए हैं, निश्चित वो जब इस क्षेत्र से जीत के जाएंगे तो इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला, मैं समझता हूँ उस सम्मान दिलाने का काम करेंगे, पूरा हमें पूरा भरोसा है। और जिस प्रकार से आप सभी ने आज इस मार्च में सहयोग किया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी को पुनः बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और साथ में राजवीर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अपना कीमती समय निकाला, और एडवांस में उनको जीत की बधाई देता हूँ कि हमें उम्मीद, हमें भरोसा भी है कि वो निश्चित जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो एक वो आवाज़ उठाएंगे जो आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई होगी। और जिनको आज तक हक तो हैं लेकिन हक उनको तक पहुंचा नहीं है, वो हक भी पहुँचाने का काम भाई राजवीर जी करेंगे। इसी के साथ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं, क्योंकि समय निकल चुका है, समय की सीमा को उल्लंघन नहीं करेंगे हम, तो मैं सीधा सीधा हमारे बीच में राजवीर जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप लोगों का धन्यवाद संबोधन जो है आप स्वीकार करेंगे, धन्यवाद करेंगे आप लोगों का कि आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। राजवीर सिंह जी, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सभी को मेरा जय भीम। जय भीम। आप सब लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही डटे रहना, ऐसे ही लगे रहना। ये चार दिन मेहनत के और है और हम ये साबित कर देंगे इस बार कि इस बार दिल्ली में जय भीम वालों की सरकार बनने जा रही है। आप चार दिन डटे रहिएगा, इसी लगन से लगे रहिएगा। हमारी जो शीला जी, इनका पूरा परिवार लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी पूरा 10 किलोमीटर घूम के आए हैं, सब इसी डेडिकेशन से लगा रहे ना। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत से लगाऊँ और इस बार हम यहाँ जीत ही नहीं दर्ज करेंगे, जीत में एक नया इतिहास दर्ज करेंगे दिल्ली में। आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। वो धन्यवाद सिर्फ अनिल जी के कहने से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे अपने लोग हैं, आपको धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अभी आपको चार दिन और लगे रहना है। बहुत बढ़िया, सभी को पुनः जय भीम। सब चार दिन लगे रहना। 12 तारीख को सबसे पहले जाके अपना वोट दे के आना और 10 तारीख को माननीय बहन जी आ रही है जीटीबी हॉस्पिटल के सामने रामलीला ग्राउंड में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पहुंचना है और हमने 10 तारीख को ये साबित कर देना है कि बहुजन समाज पार्टी यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। सभी को जय हिंद।